दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सम संख्या समझते हैं। सम संख्या जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, जो संख्या दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वे सम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर वो दो से कट जाता है तो सम संख्या कहलाएगी। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ संख्या लिख लेते हैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ 8 लिख लिए, इसके बाद जो है 12 लिख लिए, इसके बाद जो है 15 लिख लिए, इसके बाद जो है 96 लिख लिए, इसके बाद जो है 860 लिख लिए, इसके बाद जो है यहां 843 लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या सम संख्या है? तो मैंने पहले बताया कि जो संख्या दो से कट जाएगी वो सम संख्या कहलाएगी, और पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अब जैसे 8 की बात करें, तो यदि हम 2 से भाग करें तो 2 चौकों में 8 पूरा पूरा कट जाएगा। यदि हम 12 में भाग करें 2 से, तो 2 छक्का में 12 ये भी पूरा पूरा कट गया, तो यह भी सम संख्या होगी। यदि हम 2 से 15 में भाग करें तो 2 सते का 14 ये नहीं कट रहा है, तो ये हमारी सम संख्या नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, 96 में आप 2 से भाग करके चेक कर लीजिए क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है पूरा पूरा तो यह भी सम संख्या होगी। तो जो है यदि आप भाग करेंगे तो 96 2 से कट जाएगा, इसलिए यह सम संख्या है। दोस्तों चलिए हम आपको ऐसी ट्रिक बता देते हैं कि आपको भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पलक झपकते ही सम संख्या को पहचान लेंगे। ट्रिक क्या है देखिए, यह हम लिख लेते हैं ट्रिक। देखिए दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वह संख्या जो है सम संख्या कहलाएगी। आप भाग भी मत करिए, आप डायरेक्ट जो है इसकी मदद से पलक झपकते ही आंसर पता कर लेंगे। कैसे देखो, मैंने बताया कि बड़ी संख्याओं में भाग देने में हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जिस भी संख्या के लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा, वह संख्या जो है सम संख्या कहलाएगी। अब जैसे हम यदि 12 की बात करें, तो देखिए इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए यह जो है सम संख्या होगी। अब यदि 15 की बात करें, तो देखिए इसके लास्ट में ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 0, एक कोई भी नहीं है इनमें से, इसलिए यह सम संख्या नहीं होगी। अब यहाँ आ जाओ, इसके लास्ट में 6 है तो यहाँ भी 6 है, तो सम संख्या कहलाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ 0 है और इसके लास्ट में भी 0 है, तो यह भी सम संख्या कहलाएगी। लेकिन यदि आप यहाँ चेक करेंगे तो इसके लास्ट में 3 है, तो यह सम संख्या नहीं कहलाएगी। मैंने बताया ट्रिक क्या है कि जिस भी संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वही सम संख्या कहलाएगी, दूसरा नहीं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग विषम संख्या समझ लेते हैं। विषम संख्या जिसे इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं, जो संख्या 2 से भाग देने पर ना कटे वे संख्या विषम संख्या कहलाती है। दोस्तों कोई चीज यदि आपको फ्री में मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको विषम संख्या फ्री में समझा देते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो भी आपके मन में आए वही संख्या लिख लीजिए। तो चलिए, वैसे तो आप वीडियो को देख रहे हैं,
तो लिख तो पाएंगे नहीं, हम ही लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 7, 13, 47, 83 और 579। और कोई एक संख्या और लिख लेते हैं 864। तो हमने यहां पर कुछ संख्या लिख लिया है। अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी विषम संख्या है और कौन सी सम संख्या है। देखिए, मैंने बोला था ना कि फ्री में सिखाऊंगा, तो आपको क्या करना है कि भाग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ट्रिक पकड़िए। अब क्या करेंगे, 2 से यदि आप भाग करेंगे तो काफी आपका समय चला जाएगा, इसलिए आप ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है, TRICK ट्रिक है, जिस भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो समझ लीजिए वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। क्या ट्रिक है दोस्तों, जिस भी संख्या के अंत में यानी कि लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब देखिए ये 7 है, सिंगल ही है और 2 से भाग भी नहीं जाएगा, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या। अब 13 देखो, मैंने बताया था कि इस संख्या के लास्ट में क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पे भी है, तो यह भी जो है विषम संख्या कहलाएगी। अब देखो यहाँ 47 है, तो ट्रिक में यहाँ 7 है ना, तो इसके लास्ट में 7 है, तो यह भी जो है विषम संख्या कहलाएगी। इसी तरीके से 83 में लास्ट में 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो विषम संख्या होगी। अब देखो 579 के लास्ट में 9 है, तो ट्रिक में 9 था ना, तो यह भी विषम संख्या कहलाएगी। लेकिन अब देखो यहाँ 8 है, 6 है, 4 है, तो इसके लास्ट में 4 है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो यह सम संख्या कहलाएगी। और मैंने जब सम संख्या को आपको बताया था तो यह बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो वह सम संख्या कहलाती है। आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए दोस्तों अच्छे से, आपको कभी भी समस्या नहीं होगी सम संख्या और विषम संख्या को पहचानने में। उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों आपने सम संख्या और विषम संख्या को बहुत ही आसानी से सीख लिया। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।